प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अंकेक्षण के अंतर्गत ऐसे टाइप प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से दिए जाते हैं बारे में अध्ययन करेंगे। पहले चैप्टर के संबंध में जो निबंधात्मक प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहला इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखें विद्यार्थियों, ये निबंधात्मक प्रश्न जब मैंने वेरी शॉर्ट और शॉर्ट प्रश्न दिए थे होम असाइनमेंट में, मैंने आपको दिया है, साथ ही इनका उत्तर भी मेरे द्वारा आपको पीडीएफ फॉर्म के रूप में दिया गया था। वर्तमान में हम इनको विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के उत्तर की चर्चा करेंगे। प्रश्न है, यह कहा जाता है कि अंकेक्षण के दो उद्देश्यों में से दो उद्देश्य तकनीकी अशुद्धियाँ एवं सैद्धांतिक अशुद्धियों को ढूंढ निकालना है। इस कथन की उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। इसी के साथ साथ अथवा एक प्रश्न और इसमें बनता है जिसका भी उत्तर यही हम जो आगे पढ़ेंगे वही दिया जाएगा। अंकेक्षण के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य अशुद्धियों एवं छल कपटों का पता लगाना है वे उनको रोकना होता है। इस संबंध में अंकेक्षक की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये दोनों प्रश्न लगभग एक जैसे हैं और इनका उत्तर भी एक प्रकार का ही बनेगा। उत्तर हम इस प्रकार से देंगे विद्यार्थियों, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य नियोक्ता को यह रिपोर्ट देना होता है कि लाभ हानि खाता संस्था की सही लाभ हानि तथा चिट्ठा सही आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है या नहीं। अंकेक्षक द्वारा यह रिपोर्ट तभी दी जा सकती है जबकि लेखा पुस्तकों में कोई अशुद्धि या गबन न हो। मनुष्य दोषशील है, अतः अशुद्धियाँ करना मानव स्वभाव मानवीय प्रवृत्ति है, अर्थात मानवीय प्रवृत्ति है। आप जैसा विद्यार्थियों सभी जानते हैं कि काम करते जो व्यक्ति काम करेगा उसके द्वारा गलती भी होगी, तो अशुद्धियाँ एक मानवीय प्रवृत्ति है। लेखा पुस्तकों में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होना संभव है, अतः हमें अशुद्धियों तथा कपट के विषय में विस्तृत जानकारी होना वांछनीय है। सबसे पहला काम है अशुद्धियाँ का अर्थ, जो कि हमने पूर्व में भी पढ़ा इसी चैप्टर के अंतर्गत, और वर्तमान में भी हम अशुद्धियों का मतलब मीनिंग ऑफ एरर। अशुद्धियाँ जानबूझकर नहीं की जाती हैं, यह असावधानी अज्ञानता अथवा लापरवाही का परिणाम है। अशुद्धि के पीछे कोई योजना अथवा इरादा नहीं होता। अतः संक्षेप में अशुद्धि से तात्पर्य वित्तीय सूचनाओं में जाने अनजाने में होने वाली त्रुटि से है। तो विद्यार्थियों, जैसा हम जानते हैं कि हमने विलफुली अर्थात जानबूझ के यदि हम कोई गलती करते हैं तो उसे हम अशुद्धि नहीं बोलते, जाने अनजाने में यदि कोई गलती हो जाती है तो उसे हम अशुद्धि कहते हैं। अगला इसी के अंतर्गत अशुद्धियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एरर। पहला है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। ये वे अशुद्धियाँ हैं जो लेखा विधि के आधारभूत सिद्धांतों की अवहेलना करने के परिणाम स्वरूप होती हैं। अर्थात हम जानते हैं सभी विद्यार्थियों, जो हमारे लेखा क्रम के सिद्धांत हैं बही खाता एवं लेखा क्रम के सिद्धांतों की यदि हम अनुपालना नहीं करते हैं और उनकी अवहेलना के परिणाम स्वरूप जो अशुद्धि हो जाती है उसे हम सैद्धांतिक अशुद्धियाँ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय मानकर लेखा कर देना, अर्थात कोई पूंजीगत व्यय है जिसे हमने आयगत व्यय मानकर लाभ हानि खाते में अप्लीकृत कर दिया, दिखा दिया, जिससे हमारा लाभ कम हो जाएगा, या इसका उल्टा, कोई आयगत व्यय है जिसको हमने पूंजीगत व्यय मान लिया, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हमारा आयगत व्यय मान लिया तो हमारा लाभ क्या होगा, आयगत व्यय मानने से प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। दूसरा है अंतिम खाते बनाते समय आय व्यय संबंधी समायोजनों का न करना, अर्थात एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट जो हमने पढ़े हैं, यदि हम उन एडजस्टमेंट को नहीं करते हैं, अनदेखा करते हैं या गलती से रह जाते हैं
तो ऐसी स्थिति में भी हमारा जो अंतिम खाता है वह सही स्थिति को नहीं बतलाएगा। दूसरी अशुद्धि होती है भूल संबंधी अशुद्धि। ऐसी अशुद्धि जो कि मूल जर्नल अथवा सहायक पुस्तकों में लिखने से रह जाए तो उसे भूल की अशुद्धि कहते हैं। ऐसी अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर वन, पूर्ण अशुद्धि। यदि किसी व्यवहार का लेखा ही न किया जाए तो उसे पूर्ण भूल की अशुद्धि कहते हैं। और दूसरा है आंशिक अशुद्धि। यदि किसी एक पक्ष में लेखा हो जाए किंतु दूसरे पक्ष में लेखा करने से छूट जाए तो उसे आंशिक अशुद्धि कहते हैं। विद्यार्थियों, भूल की अशुद्धि जैसा कि नाम से ही विदित है, आप सभी जानते हैं कि हमने उस सौदे को जर्नल, मुख्य जर्नल में या सहायक पुस्तकों में नहीं लिखा तो ऐसी स्थिति में भूल की अशुद्धि कहेंगे। और पूर्ण अशुद्धि, जैसा कि विद्यार्थियों सभी जानते हैं कि यदि हमने किसी व्यवहार को पूरे तरीके से नहीं लिखा तो ऐसी स्थिति में उसका इम्पैक्ट हमारी लेखा पुस्तकों पर नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा आंशिक अशुद्धि, इसी के अंतर्गत जैसा विद्यार्थियों सभी को पता है कि एक पक्ष में तो हमने लेखा कर दिया और दूसरे पक्ष में हमने लेखा नहीं किया तो इसका प्रभाव हमारे तलपट पर पड़ सकता है और हो सकता है उस पर न पड़े। तीसरी अशुद्धि है क्षतिपूरक अशुद्धि। यदि किसी एक अशुद्धि का प्रभाव दूसरी अशुद्धि खत्म कर दे तो इसे क्षतिपूरक अशुद्धि कहते हैं। इन अशुद्धियों का पता लगाना कठिन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसे हम कंपनसेटरी एरर बोलते हैं। विद्यार्थियों, यदि किसी एक अशुद्धि का प्रभाव अर्थात एक गलती का प्रभाव जो पढ़ना चाहिए वह दूसरी गलती द्वारा छिपा लिया जाता है तो उसे हम क्षतिपूरक अशुद्धि कहते हैं। और इस प्रकार की अशुद्धियों का पता लगाना सबसे कठिन काम होता है। चौथा है दोहराव की अशुद्धियाँ, रिपीटेशन ऑफ एरर। यदि किसी व्यवहार को प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में दो बार लिख दिया जाता है तथा खाता बही में भी दो बार खतौनी कर दी जाती है तो इसे दोहराव की अशुद्धि कहते हैं। यदि कोई व्यवहार डेबिट तथा क्रेडिट में दो बार लिख दिया जाए तथा वह पूर्ण दोहराव की अशुद्धि होगी तथा तलपट द्वारा प्रकट नहीं होगी। यदि कोई लेन देन केवल एक पक्ष में दो बार लिखा जाए तो वह आंशिक दोहराव की अशुद्धि होगी जो तलपट द्वारा प्रकट हो सकती है। विद्यार्थियों, जैसा आप जानते हैं कि दोहराव की अशुद्धि में यदि लेखा दो बार डेबिट और क्रेडिट में लिख दिया जाता है तो इसका प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी एक पक्ष में ही लेखा किया जाता है तो इसका प्रभाव तलपट पर पूर्ण रूप से दिखाई देगा और तलपट का टोटल डेबिट और क्रेडिट पक्ष का नहीं मिलेगा। पाँचवा बिंदु है हिसाब की अशुद्धि। जब किसी लेनदेन को लेखा पुस्तकों में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से गलत दिखा दिया जाए तो उसे हिसाब की अशुद्धि कहते हैं। ये प्राय लिपिकीय त्रुटियाँ हैं, इनमें से अधिकांश तलपट को प्रभावित करती हैं। अर्थात जब किसी लेनदेन का लेखा बहियों में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से गलत लिख दिया जाता है तो इसे हम हिसाब की अशुद्धि कहते हैं। और सामान्यतः लिपिकीय त्रुटि होती है जिसका प्रभाव तलपट पर पड़ता है और जब तलपट का टोटल नहीं मिलता है दोनों पक्षों का तो ऐसी स्थिति में इसको ढूंढने का प्रयास किया जाता है और सामान्यतः ये पता लगा ली जाती है। अशुद्धियों का पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पांच अशुद्धियां पढ़ने के पश्चात टाइप्स ऑफ एरर, हम अशुद्धियों को किस प्रकार से पता लगाता है एक अंकेक्षक, किस प्रकार से जानकारी लेता है कि किस प्रकार से सावधानी बरते कार्य के अंतर्गत जिससे कि अशुद्धियों को पता लगाया जा सके। अशुद्धियों का पता लगाने के लिए अंकेक्षक द्वारा निम्न उपाय किए जाते हैं। नंबर वन, सर्वप्रथम तलपट के जोड़ की जांच करनी चाहिए। हमने जैसा लेखा क्रम के अंदर हमने शुरू में पढ़ा है 11th-12th में भी कि सबसे पहला कार्य होता है टोटल का चेक करना। डेबिट और क्रेडिट पक्ष के यदि टोटल दोनों एक समान है और सही हैं तो ऐसी स्थिति में हम ये मानते हैं कि सामान्यतः तलपट में कोई त्रुटि नहीं है। दूसरा बिंदु है अंतर आने पर जाँच की जानी चाहिए। यदि अंतर आता है डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों में यदि अंतर आता है तो ऐसी स्थिति में इसकी जांच की जानी चाहिए कि किस खाते का शेष लिखने से किसी खाते का शेष लिखने से छूट तो नहीं गया है। तीसरा बिंदु है यह देखा जाना चाहिए कि रोकड़ का शेष
कल्पट में लिखा गया है या नहीं, अर्थात जो कैश इन हैंड है उसको हमने तलपट के अंदर डेबिट पक्ष के में प्रदर्शित किया है या नहीं प्रदर्शित किया है। चौथा बिंदु है सभी खातों के योग व शेष की जांच करनी चाहिए, अर्थात जितनी खाता बही में खतौनी की गई है जर्नल के द्वारा सभी पक्षों का डेबिट और क्रेडिट पक्ष का टोटल चेक करना चाहिए और साथ में बैलेंसिंग भी करनी चाहिए कि जो हमने शेष निकाला है वह सही है अथवा नहीं है। पांचवा बिंदु है प्रारंभिक लेखे लेखा के पुस्तकों के योग और इनसे की गई खतौनियों की जांच भी करनी चाहिए, अर्थात प्रारंभिक लेखा पुस्तकों का योग टोटल भी करना चाहिए जर्नल का और साथ ही इनके द्वारा जो खतौनी हमने की है खाता बही में उसकी जांच भी करनी चाहिए। देनदार व लेनदारों की सूची, छठा बिंदु है देनदार व लेनदारों की सूची की पुनः पड़ताल करनी चाहिए कि डेटर्स और क्रेडिटर्स सही रूप में दिखाए गए हैं और इनका बैलेंस और इनका योग ठीक प्रकार से है अथवा नहीं। सातवां बिंदु है कभी कभी अंकों का स्थान परिवर्तन हो जाने के कारण भी अशुद्धि हो जाती है, अतः इसकी जांच भी की जानी चाहिए। आठवां बिंदु है यदि तलपट के जोड़ों में बहुत अधिक अंतर है तो इसकी जांच गर्भ के तलपट से मिलान करके हो सकती है, यदि दोनों तलपट की राशि में कोई बड़ा अंतर है तो इसकी जांच करनी चाहिए, अर्थात यदि टोटल नहीं मिलता है तो हमें टोटल को मिलाने की कोशिश करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि त्रुटि गत वर्ष के तलपट में भी तो नहीं है। नौवां बिंदु है यह देखना चाहिए कि गत वर्ष का खाता बही के शेष रकमें इस वर्ष के प्रारंभ में ठीक प्रकार से लिखी गई हैं या नहीं, अर्थात जो गत वर्ष का बैलेंस है इस वर्ष क्या कहलाएगा, वो ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा और हमें यह जांचना चाहिए कि लास्ट ईयर का बैलेंस जो अमाउंट हमने इस वर्ष के प्रारंभ में लिखा है वह पूर्ण रूप से सही है अथवा नहीं। अगला बिंदु विशेष कपट, व्हाट इज फ्रॉड, लेखों में जानबूझकर योजनाबद्ध रीति से तथा दूसरों को धोखा देने के उद्देश्य से एवं स्वयं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई त्रुटियां कपट या गबन कहलाती हैं। विद्यार्थियों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है अशुद्धि और कपट में जो मूल अंतर है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है और मैंने पूर्व में भी आपको बताया है कि कपट यहाँ उद्देश्य अर्थात प्रबंधक का, लिपिक का, संस्था के कार्मिक का या अन्य व्यक्ति का उद्देश्य क्या रहता है, कपट धोखा देना या अपने हित में व्यक्तिगत हित में कार्य करना, तो यह जानबूझ के किया जाता है, अर्थात जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से जब दूसरे को देखा धोखा देने के उद्देश्य से और स्वयं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जो गलती जानबूझ के की जाती है उसे हम कपट फ्रॉड कहते हैं। गबन कितने प्रकार के होते हैं, सामान्यतः गबन निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते भी हैं और निम्न प्रकार से किया भी जाता है। नंबर वन रोकड़ का गबन, अर्थात हमने पूर्व में भी पढ़ा है इस चैप्टर में, मैंने कई बार आपको बतलाया है कि नगद माल बेचा उसका कहीं इंदराज न करना उस व्यवहार का और रुपया जेब में डाल लेना, या उधार माल बेचना और देनदार से रुपया जो प्राप्त हो रहा है उसे जेब में डाल लेना, इस प्रकार से हम रोकड़ का गबन कर सकते हैं। नंबर दो श्रम का गबन, श्रम के गबन के बारे में मैंने पूर्व में भी बताया विद्यार्थियों के संस्था के हित में जो कार्मिक या कर्मचारी या श्रमिक लगाया गया है उसको व्यक्तिगत कार्यों के लिए उपयोग में लाना श्रम का गबन कहलाता है। माल का गबन, संस्था के माल का व्यक्तिगत या निजी कार्यों के लिए प्रयोग करना माल का गबन कहलाता है। चौथा बिंदु सुविधाओं का गबन, जो फैसिलिटीज़ हैं कार की, सॉफर की इत्यादि की और बिजली की, इसके अंदर यदि हम अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए हम इनका उपयोग करते हैं सुविधाओं का, तो वह सुविधाओं का गबन कहलाता है। पांचवा है संपत्तियों का गबन, अर्थात कहने का तात्पर्य संस्था के कार्य के लिए, संस्था में काम के आने के लिए जो संपत्तियां खरीदी गई हैं
यदि उनका प्रयोग व्यक्तिगत एवं निजी हित में किया जाता है तो वह संपत्तियों का गबन कहलाता है। हिसाब किताब में गड़बड़ी के माध्यम से भी हम गबन कर सकते हैं। अगली चीज़ है विद्यार्थियों, हमने दोनों के बारे में पढ़ा अभी तक, अशुद्धियाँ का मतलब, मीनिंग ऑफ एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर। ठीक इसी प्रकार से हमने मीनिंग ऑफ फ्रॉड एंड टाइप्स ऑफ फ्रॉड किस प्रकार से किए जा सकते हैं। आगे हम देखते हैं विद्यार्थियों, अशुद्धियों व गबन को ढूंढ निकालने के संबंध में अंकेक्षक की स्थिति क्या होती है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑडिटर रिगार्डिंग एरर एंड फ्रॉड। प्रायः यह प्रश्न उठता है कि क्या प्रत्येक अंकेक्षण का यह उद्देश्य है कि उनके द्वारा इन सब प्रकार की अशुद्धियों व कपट को ढूंढ निकाला जा सके, और अंकेक्षक ऐसा करने में असमर्थ रहता है तो छिपी हुई अशुद्धियों व गबन के लिए वे लापरवाही या कर्तव्य भंग का दोषी है। यदि अंकेक्षण कार्य हो जाने के बाद कोई गबन या अशुद्धि छिपी हुई रह जाती है तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षक की स्थिति निम्न प्रकार होगी। अंकेक्षक पूर्ण सावधानी से, पूर्ण चतुराई से आलोचनात्मक जांच करता है विद्यार्थियों पुस्तकों की, लेकिन फिर भी किन्हीं प्रकार की अशुद्धियाँ या कपट उस वह पता लगाने में समर्थ नहीं होता है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत अंकेक्षक को दोषी नहीं ठहराया जाता, जब तक कि अंकेक्षक अपने पूर्ण सावधानी एवं चतुराई से लेखा संबंधी कार्यों का अंकेक्षण करता है। तो पहला बिंदु है इस संबंध में उचित सावधानी व चतुराई का प्रयोग। यदि अंकेक्षक ने अपने कार्य में उचित सावधानी व बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया है, जितना भी उन परिस्थितियों में संभव था, और उसने कोई प्रयत्न नहीं छोड़ा है जो कि अशुद्धियों व कपटों को ढूंढ निकालने के लिए आवश्यक था, लेकिन फिर भी वह उन अशुद्धियों व कपटों का पता लगाने में असमर्थ रहा है तो वह उत्तरदायी नहीं होगा। मैंने बतलाया विद्यार्थियों, यदि पूर्ण सावधानी बुद्धिमता पूर्वक अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कार्य किया गया है और उसने अशुद्धियों को एवं कपट को पता लगाने की पूर्ण कोशिश की है, फिर भी यदि वह ढूंढ नहीं पाता है तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षक को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। बहुत इम्पॉर्टेंट एक केस है जिसका विस्तार पूर्वक हम आगे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे अगले चैप्टर्स में। किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में कहा गया है कि अंकेक्षक अपने कार्य में उचित चतुराई व सावधानी से कार्य करेगा। किसी विशेष मामले में उचित सावधानी व चतुराई कितनी होगी यह उस मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अर्थात अंकेक्षक का दायित्व है कि वह पूर्ण चतुराई एवं सावधानी से कार्य करे, और कितनी चतुराई और सावधानी उसके द्वारा बरती जानी चाहिए यह परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। और उसके द्वारा बरती गई है और फिर भी वह अशुद्धि व कपट को पता नहीं लगा पाता तो अंकेक्षक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा बिंदु है इस संदर्भ में अंकेक्षक द्वारा ईमानदारी का प्रयोग। यदि अंकेक्षक ईमानदार है, यदि उसने ईमानदारी से कार्य किया है फिर भी अशुद्धियों व कपटों को पता नहीं लगा पाया है तो उसे हम उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। कहने का तात्पर्य है, यदि अंकेक्षक द्वारा ईमानदारी से कार्य किया गया है और यदि फिर भी वह अशुद्धियों व कपटों को पता नहीं लगा पाता है तो उसके लिए हम अंकेक्षक को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। इस संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण केस है, लंदन एंड जनरल बैंक केस के विद्वान न्यायाधीश ने कहा था कि अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए, उसे किसी भी बात को सत्य प्रमाणित नहीं करना चाहिए जिसे वह सत्य नहीं समझता, और सत्यता का प्रमाण पत्र देने से पहले उसे आवश्यक सतर्कता व ज्ञान का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अर्थात जब उसने जांच की है तो उसे जांच करने के बाद ही सत्यता का प्रमाण पत्र देना चाहिए। यदि उसने पूर्ण सावधानी एवं चतुराई से जांच नहीं की है तो
तो उसे सत्यता का प्रमाण पत्र नहीं देना चाहिए। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों, अंकेक्षक सत्यता की गारंटी नहीं देता। अंकेक्षक ये गारंटी नहीं देता कि भाई मैंने संपूर्ण कार्य पूर्ण सावधानी एवं चतुराई से करने के पश्चात भी मैं ये कह सकता हूँ कि लेखा पुस्तकें जो लिखी गई हैं और लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा बनाया गया है वह पूर्ण रूप से सही है। लंदन एंड जनरल बैंक केस में कहा गया है कि अंकेक्षक एक बीमक नहीं है, वह यह गारंटी नहीं देता है कि पुस्तकें कंपनी की सही एवं वास्तविक स्थिति को बतलाती है। यह वह गारंटी नहीं देता कि चिट्ठा कंपनी की पुस्तकों के अनुसार सही है। चौथा बिंदु है अंकेक्षक का कर्तव्य संदेह युक्त होना चाहिए। किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय देते हुए लिखा था कि अंकेक्षक कोई जासूस नहीं है कि संदेहशील होकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े अथवा इस धारणा से काम करे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी अवश्य हुई है। उसकी स्थिति एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, न कि शिकारी कुत्ते के समान है। उसे संस्था के कर्मचारी को ईमानदार मानने का अधिकार है। अंतिम बिंदु पांचवां, बड़े अधिकारियों द्वारा सावधानी से किए गए कपटों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। शंकायुक्त परिस्थिति के अभाव में यदि अंकेक्षक ऐसे गबन को नहीं पकड़ पाता है जो कि संस्था के बड़े अधिकारियों द्वारा सावधानी पूर्वक चतुराई पूर्वक योजनाबद्ध ढंग से किया गया है तो उसे अंकेक्षक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अंत में विद्यार्थियों, इस प्रश्न के उत्तर में जो निष्कर्ष हम देंगे कंक्लूजन उसमें लिखेंगे कि अतः यह कहा जा सकता है कि अंकेक्षक को अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी उचित सावधानी बुद्धिमता एवं चतुराई पूर्वक करना चाहिए। यदि फिर भी त्रुटियां और गबन छिपे रह जाते हैं तो वह उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तव में व्यवसाय में लेखों को सुचारू रूप से रखने का दायित्व नियोक्ता का अर्थात एम्प्लॉयर का और मालिक का होता है। यदि वे अपने कार्य सतर्कता से करें तो अशुद्धियाँ व कपट रह नहीं सकते हैं। इस पर भी अंकेक्षक को अपने कार्य में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रॉड एंड एरर के ऊपर, जो सामान्यतः मैदे से विश्वविद्यालय के अंतर्गत अक्सर पूछा जाता है। और चूंकि अंकेक्षण के विषय में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि विद्यार्थियों को प्रश्न का उत्तर ढूंढना और उसके बारे में किस प्रकार से उसकी विवेक व्याख्या करनी है, उसका उत्तर किस प्रकार से देना है, ये बताना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका उत्तर ढूंढने में बहुत परेशानी आती है विद्यार्थियों को, इसलिए मैंने आज ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे टाइप क्वेश्चन जो अक्सर मैदे से विश्वविद्यालय के मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है आपको जानकारी दी है। आप इसको पढ़ें और PDF फाइल के रूप में भी मैंने आपको इसका उत्तर भेज रखा है। आप इसे कम से कम 4-5 बार पढ़ें जिससे आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। फिर भी यदि कोई क्वेरी हो तो आप व्यक्तिगत रूप से मेरे मोबाइल पर संपर्क करें। धन्यवाद।